अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो में यार मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक परफेक्ट टाइटल अपनी यूट्यूब की वीडियो के लिए कैसे बनाओगे और कैसे उसको फाइंड करोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। और ये जो सा कीवर्ड होगा, इसकी हम डिस्क्रिप्शन भी बनाएंगे और टैग्स भी बनाएंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाऊंगा। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड किया 3 वीडियोज़ में। ठीक है, तो टॉपिक एक ही होगा और हम तीनों की टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स बनाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा उसको कैसे परफेक्टली आप बना सकते हो। तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहो। तो शुरू करते हैं। तो सीधा हम अपने गूगल क्रोम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना अगर नए हो। ठीक है, रेड बटन आपको दिख रहा होगा और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि मैं जो सी नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो सीधा हम यार मैं कुछ पहले चीज़ आपको बताने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो यार एक कीवर्ड होता है जो कि मतलब लोग सर्च करते हैं जिस टॉपिक को, हम उस कीवर्ड को निकाल के अपनी वीडियोज़ में लगाते हैं। ठीक है, उसकी एसईओ करते हैं। ठीक है, एक सेकंड चीज़ होती है कि कोई कीवर्ड लोग सर्च ही नहीं करते फिर भी उन पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ चले जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अब ये देखो, पबजी मूवी, सैन होक, बूट कैंप, मेरे ख्याल से ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है। ठीक है, ये गेम प्ले है पर ऐसा कीवर्ड कोई नहीं है, पर इसके देखो मिलियंस में व्यूज़ गए हैं। उसके बाद ये देख लो, ग्रैनी की बहन, तो इस तरह का भी अभी कोई कीवर्ड नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है फ्री मोबाइल हॉरर गेम इस तरह का हो, पर ये ऐसा कीवर्ड नहीं हो सकता। इन पर व्यूज़ कैसे जा रहे हैं? इन पर व्यूज़ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन बंदों के ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, जो कि इनकी वीडियोज़ को देख लेते हैं और इनको कीवर्ड से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। पर आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि इससे सीपीसी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब कि अगर आप ऐसे कीवर्ड्स लगाते हो जिनका कोई है रिसर्च, जिनकी कोई सर्च ही नहीं है फिर भी आपके सब्सक्राइबर्स भी हैं, वो देख भी लेते हैं, तो आपको उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, आधी हो जाती है अर्निंग एक अच्छे कीवर्ड से। तो ये मेन चीज़ है कि आपको सीपीसी जो सा है, कॉस्ट पर क्लिक जो सा है, वो कम मिलेगा पर आपके व्यूज़ आ जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं होता। तो ये तो मैंने आप इससे यहाँ पे क्लियर कर दी बात। अब एक और चीज़ है, वो है ट्रेंडिंग। अब ट्रेंडिंग में भी आप अक्सर देखोगे कि अजीब ही चीज़ें चल रही होती हैं, कोई उनका कीवर्ड लोग उनको सर्च नहीं कर रहे होते। ठीक है ना? तो अच्छा, अभी देखो कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई ट्रेंडिंग का टॉपिक। अभी देखो ये हसन नसार ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो इसका कोई मतलब कि अभी लोग इसको सर्च तो नहीं कर रहे होंगे पर फिर भी क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना है तो इस पर वीडियोस जो बनाएंगे उनको व्यूज़ आने के चांसेस हैं, और जिनके सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं उनकी वीडियोस जो सी हैं वो ज़्यादा अच्छे से वायरल हो जाती हैं, रैंक कर जाती हैं। ठीक है, तो ये चंद चीज़ें हैं। अगर आप ये करते हो कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक रोज़ाना देखते हो और किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर आप वीडियोज़ बनाते हो, क्योंकि ट्रेंड जो सा वो चेंज होता रहता है, न्यू न्यू ट्रेंड आते रहते हैं, अगर आप उन पर अपनी वीडियोज़ बनाते हो तो आपको व्यूज़ आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, आपकी वीडियो जो सी वो वायरल हो सकती है। तो सीधा हम अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि आपने कोई ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं देखना, नहीं बनाना। ठीक है, उसके अलावा आप चाह रहे हो कि हम सब्सक्राइबर्स गेन करें, अपनी वीडियोस को रैंक करें, उसके उसमें आता है कि आपको टॉपिक देखना होगा जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, जिनकी लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, तो ये अपना अपना चैनल का हिसाब है, जिस टाइप का आपका चैनल होगा उसी टाइप का आप कीवर्ड सर्च करोगे। तो अच्छा, मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड जो सा वो रखा है कि हाउ टू मेक मनी ऑन यूट्यूब। ठीक है, मैंने ये कीवर्ड सेलेक्ट किया। अब अच्छा, मैंने इसको कीवर्ड प्लानर में भी चेक किया, अगर आपने कीवर्ड प्लानर की वीडियो नहीं देखी जो सी मैंने पहले बनाई है तो वो आप जाके देख सकते हो। अच्छा, तो ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड मैंने यहाँ पे आके सर्च किया है, तो इसकी आप कंपटीशन देख सकते हो कि लो जा रहा है, मतलब हाँ ये कीवर्ड्स अच्छे हैं। ठीक है, हमेशा आपने लो कीवर्ड्स जिनका कंपटीशन लो है उनको सेलेक्ट करना है क्योंकि उन पर आपके ज़्यादा चांसेस हैं रैंक करने के। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हो हाउ टू मेक मनी ऑन यूट्यूब, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, ये भी अच्छा है, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। हाउ टू गेट मनी फ्रॉम यूट्यूब, ये भी अच्छा है। तो पर अगर हम इसका ये देखें तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये ज़्यादा अच्छा कीवर्ड है। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे तो रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा शो होंगे, तो आपने इसकी डिफ़िकल्टी थोड़ी सी कम करनी है। मैं यहाँ पे अब दिखाता हूँ आपको, अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे और वीडियोज़ में चले जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो बहुत कुछ ज़्यादा ही बंदों ने वीडियोज़ बनाई हुई है। अच्छा, तो अब हम इसकी डिफ़िकल्टी जो सी है वो थोड़ी सी कम करेंगे। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी टिप देता हूँ, आप ये चीज़ें देख लिया करो। ये देखो अभी मेक मनी ऑन यूट्यूब, ये देखो इस बंदे ने कीवर्ड लगाया है मेक मनी ऑन यूट्यूब। अब ये देखो 5 वेज टू अगे विद अ स्मॉल चैनल, ये इसने डिफ़िकल्टी कम करने के लिए ये कीवर्ड साथ यूज़ किए हैं, समझ आए? तो आपने भी ये काम करना है। तो यहाँ पे अभी हम
देखते हैं हाउ टू मेक मनी ऑन यूट्यूब। अब अगर आप पाकिस्तान के लिए बनाना चाह रहे हो तो इन पाकिस्तान आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम पाकिस्तान का कीवर्ड सिर्फ सर्च करते हैं तो फिर देखते हैं हमारी डिफ़िकल्टी कहाँ तक जाती है। अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको अपने दिमाग से यहाँ पे कीवर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसकी डिफ़िकल्टी कम करने के लिए। अभी देखो 2019 आ गया है, ठीक है, और लोग न्यू सर्चिज इसको ज़रूर करेंगे, तो हम एक कीवर्ड यहाँ पे ट्राई करते हैं अपना। एक तो ये देखो इन उर्दू इन हिंदी भी लोग सर्च कर रहे हैं, नीचे देख लो ना, और साथ 2019 का भी सर्च कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक कीवर्ड बनाते हैं। हिंदी उर्दू में, ठीक है, और साथ हम 2019 लिख देते हैं। तो अब हम इसको सर्च करते हैं ज़रा। अच्छा, तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सर्च करते हैं, तो ये आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा 4 लाख पर आ गई है। अभी भी बहुत ज़्यादा है पर काफ़ी हद तक जो सा वो नीचे आ गई है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे और कुछ अपना कीवर्ड भी लगा सकते हैं। मैं जैसे कि लगा देता हूँ एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का लगा देते हैं, ठीक है। ये देखो 1 लाख पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऐसे जैसे उसने लगाया था 5 वेज़ टू मेक मनी ऑन यूट्यूब, ठीक है, डिफरेंट वेज होते हैं, आप वो बता सकते हो। तो अगर हम वो भी लगा के देखते हैं ज़रा, तो देखते हैं हमारी कहाँ तक जाती है, क्योंकि हमारा मेन कीवर्ड हमारे पास है अभी भी, मतलब ज़्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ और ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अभी कम नहीं हो पा रही, ठीक है। अभी देख सकते हो 2 लाख 1 लाख तक ही रह रही है, पर मैं इसको और कम करना चाह रहा हूँ, पर अभी मेरे दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा है इसको मैं किस तरह से कम करूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा देर लगेगी। अच्छा, तो यहाँ पर हम एक चीज़ जो सी है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2019, ठीक है, ये मैं साइन डालूंगा और 2020 कर दूंगा, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट आने वाला साल है। तो यहाँ पे अब हम सर्च करते हैं तो इसकी जो सी डिफ़िकल्टी है वो मस्ट कम हो जाएगी। ये मैं पहले काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये यूज़ करता रहा हूँ और मुझे इसका बेनिफिट भी मिल जाता होता था, क्योंकि ये मुझे रैंक करवा देती थी। तो ये कीवर्ड आप बना सकते हो, ठीक है। अगर आपका कीवर्ड की ऑलरेडी डिफ़िकल्टी कम हो चुकी है फिर आप ये चीज़ रहने दो, इस तरह मत करना, ठीक है। पर ऐसा कोई टॉपिक जिस पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं, वहाँ पर आपको इस तरह की कुछ चीज़ें यूज़ करनी पड़ सकती हैं, ठीक है, एक्सप्लेन फुल डिटेल्स या इस तरह के ईजीएस्ट वेज, ठीक है, वो आप यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हो। तो ये डिफरेंट तरीके हैं। अच्छा, तो ये कीवर्ड हमने बना लिया अब, ठीक है, इसकी हमारी डिफ़िकल्टी भी कम हो चुकी है और कीवर्ड भी हमारा बन चुका है, ठीक है। और बाकी मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं कि किस तरह से डिफ़िकल्टी इसकी कम करनी है, ठीक है। तो ये हमारा कीवर्ड बन चुका है, तो इस तरह से आपने यार अपना कीवर्ड बनाना है, ठीक है, इजी वे है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। पर आपने अपने मेन कीवर्ड पर फोकस लाजमी करना है। हमारा मेन कीवर्ड कौन सा है, हमारा मेन कीवर्ड है हाउ टू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब, बस। बाकी ये जितने कीवर्ड्स हैं, ये देखो मैंने पहले लगा दिया यूट्यूब कोर्स, ठीक है, तो ये जितने भी हमारे कीवर्ड हैं ये सिर्फ वैसे हमने लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर हम इसको भी हटा सकते हैं अगर हम हटाना चाहें, फिर देखते हैं। अभी ये देखो 9,000 पर आ गई है, ठीक है, तो ये भी ठीक है, हम इसको रख लेते हैं। हमारा एक तो सिंपल कीवर्ड अपना है, बाकी हमने ये सिर्फ डिफ़िकल्टी कम करने के लिए आगे लगाए हुए हैं, ठीक है। तो हमने इस सिर्फ इस पर फोकस करना है, तो ये भी हमारा कीवर्ड एक अच्छा है। और हमेशा याद रखें कि जो सा शॉर्ट कीवर्ड होता है, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग कीवर्ड्स आप मत बनाना, वो ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ भी आप कर सकते हो, प्रॉपर गाइड, फुल गाइड, फुल गाइड या जो भी यहाँ पे चीज़ें लगा के आप इसकी डिफ़िकल्टी आपने थोड़ी सी इसकी कम ज़रूर करनी है, ठीक है। अब ये डिफ़िकल्टी कहाँ तक आप लेके जा सकते हो, डिफ़िकल्टी आपकी बेहतर है कि 10,000 से 30,000 40,000 तक रहे तो बेटर है, ठीक है, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है, वरना आपकी आपको रैंकिंग में थोड़ी सी जो सी मुश्किल पेश आती है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपने इस तरह से इसको अपने को कीवर्ड को बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक लाजमी कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। और नेक्स्ट मैं आपको इसी की डिस्क्रिप्शन और टैग्स बना के दिखाऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।